नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे वैशाख माह के 11वें अध्याय का पाठ। इस महात्म्य के श्रवण से मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश होता है, सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जीवन से समस्त पीड़ाओं का हरण हो जाता है। वैशाख माह के दौरान इन महात्म्य का श्रवण करना या पठन करना दोनों ही मनुष्य को संपूर्ण प्रकार के सुख और भक्ति की प्राप्ति कराने वाला होता है। इससे मिलने वाले पुण्य फल का कभी भी नाश नहीं होता है। आइए हम आज के इस अध्याय में सुनेंगे वैशाख माह के 11वें अध्याय का पाठ। सबसे पहले भगवान श्री हरि का ध्यान कर लेते हैं और फिर पाठ आरंभ करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। ओम नमो नारायणाय। मिथिलापति ने ब्राह्मण से पूछा, जब वैशाख मास के धर्म अतिश्य ही सुलभ और सभी प्रकार के पुण्य राशियों को प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रतीपकारक तथा चारों पुरुषार्थों की तत्काल ही सिद्धि कराने वाले हैं, सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि भला किस प्रकार से नहीं हुई। इस पर श्रोत देव जी ने कहा, हे राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले मनुष्य ही अधिक हैं। उनमें से कुछ मनुष्य राजस और कुछ मनुष्य तामस प्रवृत्ति के हैं। जो लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्रादि संपदाओं की ही अभिलाषा सिर्फ रखते हैं, विरले ही कभी कोई ऐसे मनुष्य से मुलाकात होती है जो स्वर्ग लोक जाने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करता है और इसी के लिए वह धार्मिक कार्यों को करता है। फिर वह यज्ञ हो या फिर पुण्य कर्म का अनुष्ठान ही क्यों न हो, परंतु मोक्ष की उपासना प्रायः कोई भी मनुष्य नहीं करता। तुच्छ प्रकार की आशाओं को लेकर के तथा मन में बहुत सारे कामनाओं की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार के कर्मों का आयोजन करने वाले मनुष्य प्रायः काम्य या फिर कर्मों के ही उपासक होते हैं। यही एकमात्र कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि अधिक नहीं हुई। ये सात्विक धर्म ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं और उनसे भक्ति प्राप्त करने वाले हैं। निष्काम भावना से जो भक्ति की जाती है वह इस लोक के साथ ही परलोक में भी सुख को देने वाली होती है। देव माया से मोहित होने के कारण मूर्ख मनुष्य इन धर्मों को तो जानते ही नहीं हैं। इसके संदर्भ में मैं पूर्व काल की एक बात बतलाता हूँ। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नामक विख्यात एक चक्रवर्ती राजा रहा करते थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज नृग के सुपुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बहुत अधिक श्रद्धा और भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान अत्यधिक श्रेष्ठ माना जाता था। एक दिन की बात है, राजा मृगया में आसक्त होकर के महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। वैशाख की बहुत ज्यादा चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा थक भी चुके थे। रास्ते में राजा ने देखा, महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह पर अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न हैं। कहीं वह छायादार मंडप का निर्माण कर रहे हैं तो कहीं पौसले का निर्माण बना रहे हैं। किनारे पर झरनों के जल को रोक करके स्वच्छ बावड़े का निर्माण कर रहे हैं। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखे से दुला करके हवा दे रहे थे तो कहीं उख और कहीं सुगंधित पदार्थ ही भेंट के स्वरूप में दे रहे थे। कहीं फल दे रहे थे
दोपहर की उस घड़ी में लोगों को छायादार छाता दे रहे थे और संध्या काल के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहा करके साफ सफाई किए हुए आश्रम के प्रांगण में हितकारक बालू का बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूले को लटका रहे थे। उन सभी के इस प्रकार के कार्यों को देख करके राजा ने पूछा, आप सभी कौन हैं? इस पर शिष्यों ने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने तब पूछा, यह आप सभी लोग क्या कर रहे हैं? तब शिष्य बोले, ये वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बतलाए गए धर्म हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के ही ये साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से ही अपने इन धर्मों का पालन करते हैं। इस पर राजा ने फिर पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्य को किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, कौन सा फल मिलता है तथा इसमें किस देवता की प्रसन्नता होती है, कौन से देवता प्रसन्न हो जाते हैं? तब शिष्य फिर कहते हैं, हमें इस समय यह बतलाने के लिए थोड़ा सा भी अवकाश नहीं है, अतः इसके संबंध में गुरु जी ही आपके यथोचित प्रश्न का उत्तर देंगे। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों के मुंह से ऐसा सुन करके राजा यथाशीघ्र महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर जा पहुँचे, जो कि विद्या और योग शक्ति से संपन्न थे। राजा को आते हुए देख करके महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बहुत अधिक प्रसन्न हुए और सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब राजा आराम मुद्रा में बैठ गए, तब गुरु वशिष्ठ से उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक पूछा, हे भगवान, हे ऋषिवर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्य मनए शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए देखा है, किंतु उसके संबंध में मुझे तनिक भी जानकारी नहीं है। जब मैंने प्रश्न किया, तब उन्होंने दूसरी कोई भी बात न बतलाकर आपके पास जाने की आज्ञा दी। उनके आज्ञा के अनुसार ही मैं इस समय आपके समीप आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को देख करके उसके विषय में जानने की जिज्ञासा है, अतः आप मुझसे उसके बारे में वर्णन करें। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर कहते हैं, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई है, अतः उसने यह उत्तम निश्चय किया है, भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत कर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की आत्यंतिक प्रवृत्ति है, यह तुम्हारे किसी पुण्य प्रताप का ही फल है, जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है। उसके उन धर्मों से भगवान विष्णु अत्यधिक संतुष्ट होते हैं, साथ ही मनवांछित फल की इससे प्राप्ति भी होती है। महर्षि ने इसके साथ यह भी कहा कि जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के अनुसार भगवान श्री हरि की आराधना कर ली, उसके जन्म जन्मांतर तक सार्थक हो जाते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पापों का विनाश करने वाले हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म धर्मों के द्वारा ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए केवल परिश्रम और धन खर्च नहीं करना पड़ता है, बल्कि भक्ति भाव की बहुत होती है। भगवान विष्णु भक्ति के द्वारा ही पूजित होने पर अभीष्ट वस्तुओं को देते हैं, इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल के द्वारा की गई पूजा करने पर भी अशेष कलेशों का नाश करते हैं और यथाशीघ्र प्रसन्न भी होते हैं। वैशाख मास में बतलाए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम के द्वारा ही साध्य होने पर भगवान श्री विष्णु के लिए प्रीतिकारक एवं शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञादि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अतः हे राजन, तुम्हें भी वैशाख मास में बतलाए हुए धर्मों का पालन करना चाहिए और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सभी लोगों से भी इन कल्याणकारी धर्मों का पालन भी कराना चाहिए। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों
और युक्तियों से भले भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सभी धर्मों का उल्लेख राजा के समक्ष किया। उन सभी धर्मों के बारे में सुनकर के राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और फिर महल को लौट आए। घर आकर के उन्होंने सभी धर्मों का विधिपूर्वक पालन किया। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगारा रखा और सिपाहियों से अपने राज्य में डंके की चोट पर इस प्रकार की घोषणा करा दी, मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान को नहीं करेगा तो मेरे द्वारा उसे दंड दिया जाएगा, यहाँ तक कि वध और राज्य से निष्कासित भी कर दिया जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी अथवा सुहृदय जो भी मनुष्य वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र होगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सभी लोग अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पौंसला और दान आदि धर्मों का पालन करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। इस प्रकार से 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार लगे रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन से राज्य के सर्वत्र और सब देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हो गया जो और विस्तृत होता गया। आगे चलकर खूब बढ़े हुए वृक्ष के रूप में यह परिणत हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होते थे। वहाँ के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति तो निश्चित ही थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता था। अपने धर्म के अनुकूल कर्म में स्थित होते हुए सभी लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सभी नर्क खाली हो गए। वहाँ अब एक भी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सभी मनुष्य दिव्य आकृतियों को धारण करके भगवान विष्णु के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक है वे सब भी अब शून्य पड़ गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद ऋषि ने धर्मराज के पास जाकर कहा, हे धर्मराज, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता है। पहले की ही भांति पाप कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। इसका क्या कारण है वह बतलाइए। महर्षि नारद के इस प्रकार के कहने पर यमराज ने दीनता के स्वर में कहा, हे नारद, इस समय पृथ्वी पर यह राजा जो राज्य कर रहा है वह पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का परम प्रिय भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी भी वैशाख मास के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य प्रताप के प्रभाव से ही सभी भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग ही लुप्त कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों ही शून्य बन गया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर के यह सभी समाचार उनसे निवेदन करना, मैं तभी स्वस्थ होऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में चले गए। वहाँ उन्होंने बैठे हुए ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिनका आश्रय ध्रुव पर आसीन है, जो इस जगत के बीज तथा सब लोगों के पितामह हैं। समस्त लोकपाल, दिक्पाल तथा देवता जिन ब्रह्मा की उपासना करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने यमराज को आते हुए देखा तब यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर वहीं पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, कमल आसन पर आसीन
काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का भले भांति पालन नहीं करता है तथा उनके धन को लेकर के भोग करता है उसे काठ का कीड़ा बनना पड़ता है तथा जो बुद्धिमान मनुष्य लालच लोभ व स्वामी के धन का उपभोग करता है उसे 300 कल्पों तक तिर्यग योनि के रूप नर्क में प्राप्ति होती है। जो कार्य में नियुक्त हुआ हुआ पुरुष कार्य करने में सामर्थ्य होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है उसे बिलाव के रूप में जन्म मिलता है। हे देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। अब तक मुनियों और धर्म शास्त्रों के कथन के अनुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के प्रताप से फल और पाप आत्मा को पाप के फल से ही संयुक्त करता था, परंतु अब आपके आज्ञा का पालन करने की सामर्थ्य शक्ति मुझ में नहीं है। कीर्तिमान के राज्य में सभी लोग वैशाख मास युक्त पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ ही वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और मातामह आदि विष्णु लोक में चले जाते हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटा करके विष्णु धाम में चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा भी मनुष्य वैसी गति को नहीं प्राप्त करता जैसा वैशाख मास के नियमों को प्राप्त करने से प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख माह में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन करना, मास के महात्म्य का श्रवण करना तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य ही विष्णु लोक का एकमात्र अधिकारी और स्वामी होता है। जगत पिता भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहाँ पर पहुँच रहा है जो तो भी वह भरता नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा के अनुसार वैशाख मास के धर्म का पूर्ण रूप से पालन करके विष्णु धाम को जा रहे हैं। हे लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से ही वैकुंठ धाम को प्राप्त हो रहे हैं। वह केवल भगवान विष्णु को के चरणों की ही शरण लेने वाला जान कर रहा है। समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो। वह पृथ्वी पर माता के पेट से जन्मा रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है, किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा ने से ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरे लिपि को मिटाने में उद्धत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में कभी ना तो किसी ने सुना है ना कभी आने वाले वक्त में ही सुनेगा। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को मैं नहीं जानता जो डंके की चोट पर डंके को बजा करके घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा कर रहा हो। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय का पाठ। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। दोस्तों, कल हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। पुण्य बांटने से बढ़ता है। धर्म को जितना ज़्यादा विस्तृत करोगे उतना ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एक धार्मिक कार्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
नाथे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथे नारायण वासुदेव गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोपाल बोलो गोविंद।